और दोनों सिर्फ हम लोगों के अलावा जो है ना यहाँ पे सब खाना खा रहा है। दुल्हन, दुल्हन की अम्मी, दुल्हन के अब्बू, दुल्हन के पापा, सब माशाल्लाह खाना खा रहे हैं। वेलकम बैक टू माई अनदर यूट्यूब डेली व्लॉग। तो आज टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं तैयार होने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि आज हम लोग गाइस आज के जो है ना दो व्लॉग आने वाले, वो इसलिए क्योंकि आज है तूबा का वलीमा। अच्छा, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि तूबा अपना फेस क्यों छुपाने लगी है। तूबा अपना फेस इसलिए छुपाने लगी, शादी के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है, भले आप कैसे भी हो लेकिन आपको उसमें ढालना पड़ता है। तो मुझे लगता है एक तरह से ये अच्छी चीज़ भी है। और लेकिन अब वालों को बताओ कि आज दो व्लॉग आने वाले हैं वो इसलिए क्योंकि आज है तायरान की शादी, और सॉरी गलत बोल दिया, आज है तायरान का निकाह और तूबा का वलीमा है। तो मैंने सोचा है कि मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तायरान के निकाह का व्लॉग अलग बनाऊंगी और उसके बाद रात में वलीमा का अलग बनाऊँगी। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक मिनट गाइज, लाइक करना मत भूलिएगा मेरे व्लॉग को, ठीक है? लाइक लाजमी करना। आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है जब तक मैं हो रही हूँ रेडी। बस ज़्यादा इरिटेट नहीं कर रहा, ये हमारी ट्रैवल जो है किट है, इसको मैंने अपने लेंस डाले हुए। अच्छा, आप लोग बताओ हम निकाह में कहाँ जा रहे हैं? हम लोग निकाह में जा रहे हैं हैदराबाद, और अभी अरीशा भी आ रही है और अरीशा भी जाएगी हमारे साथ, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत 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 उससे ज़्यादा। रात में भी मुझे सैलून जाना है क्योंकि सैलून में मेरा शूट भी है, वलीमा भी है। सुबह भी मुझे शूट पे जाना था लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी हद से ज़्यादा। मैंने बाबा को भेजा था गाड़ी वॉश करवाने के लिए क्योंकि गाड़ी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही थी और मुझे उसको वॉश करवाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं लड़का नहीं हूँ इसी वजह से। खैर, मेरे फेस पर अभी भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। मम्मा अभी ऊपर आ गई और हमें लेट हो गया बहुत ज़्यादा। अभी अभी सोचा आप लोग 11 बज रहे हैं, हम कब हैदराबाद पहुंचेंगे? मैं तो ये सोच रही हूँ। देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। सही से पैसे देगा बाजी? यार तुम इतनी झूठी हो यार। मैं तो गाड़ी में बैठ के टेंट लगाऊंगी, मैं सिर्फ टेंट लगाती हूँ, बेस वेस कुछ नहीं लगाती ना, फाउंडेशन। ओह माय गॉड, ये पतली लड़की कौन है? मुझे तो लग रहा है मैं वापस मोटी हो गई हूँ। हाँ देखो मेरा पेट भी बाहर आ गया, लेट हो गया है। कहाँ लेट यार, इतनी पतली क्यों है यार? नहीं बस गाड़ी में निकल, अरे बाबा को यहाँ गाड़ी के लिए भेज दिया था। गाइस हम लोग निकल चुके हैं फाइनली इतनी देर के बाद क्योंकि बाबा गाड़ी वॉश कराने जो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बाबा 1.5 घंटे बाद आए हैं। मुझे कश्यप ने बुलाया था सुबह के 10 बजे और ये निकल रहे हैं 1 बजे। और तुम कितने बस कर दो 12 बजे, तुम खुद कितने बजे आई हो? 11:20 पे ये मैडम आई है 20-25 मिनट पे। खैर अभी हम रास्ते में क्योंकि बहुत जोर से भूख लग रही है, पहले तो हमने सबसे पहले कुछ खाना है इधर ले ले। और रेशम आठ आ गए चीजें लेने के लिए। गाइस क्या लेना चाहिए? मैं क्या लूँ, फ्रेश क्या है इसमें से? और अरीशा जो है वो चीजें खरीदने के बाद बहुत मसरूफ हो गई है। मैं सोच रही हूँ एक ठंडी पानी की बॉटल ले लूँ, पाकोला खा रहे हैं, पी रहे हैं, मंड रहे हैं, पेट्रोल पंप पे ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तायरान शादी में मजा नहीं लगता, हम लोग पहुंचेंगे हम तायरान को हाई करने जा रहे हैं, फिर हाई करके वापस आ जाएंगे। गाड़ी पे आपका नाम तारा लिखा है। हम सनोबर के पीछे पीछे जा रहे हैं मम्मा। अबे हेलो मम्मा, मम्मा कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो मम्मा? कहाँ जा रही? हेलो मम्मा, मम्मा कहाँ है? मम्मी मम्मी बस आ रहा हूँ, मम्मी कहाँ जा रही हो? मम्मी कहाँ जा रही हो? तो गाइस मैंने स्टार्ट किया, विजय की आवाज आई अरीशा की। सो गाइस मेरे बोलने से पहले अरीशा शुरू हो गई। क्या सोरे में साथ वाला, मुझे लग रहा है गरारे से मैं गिर जाऊंगी अगर आ रहा, मुझे टांगे उछाल उछाल के चलना पड़ेगा। वाह दिस इज ओरिजिनल और नॉट? नहीं नहीं हाँ मेरा गरारा बहुत, पहले मैं अपने आप को देखूंगी यहाँ पे। मेरा तो आप ही लोग बना रही हैं। हाँ मैं क्या करूँ, नहीं कश्यप का मेरा नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? हाँ कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, चश्मे वश्मे लगाए हुए कह रही है।
चश्मे वश्मे फुल लगाए हुए। आप कैसी हो? अच्छे से मिला, अच्छे से। इतना दुबला मेरा चाचा है, ये वाला मेरे पापा। मदर और पेरेंट्स की चॉइस है, समझ लो एक तरीके से। अब तुम्हारी चॉइस भी हो गई ना। मेरी चॉइस तो बहुत बुरी होती है हमेशा। अब तो लव हो गया ना। हाँ कह सकते हैं। और मैं बार बार यही बोल जाना। और मैं अपनी तारीफ अच्छा नहीं। देखो मेरे दोस्तों को चाहिए मेरी तारीफ करें यार, ज्यादा मैं तुम लोगों का दोस्त। और सेटअप कैसा लगा तुम लोग को? बहुत अच्छा सेटअप है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। यू लुक सो गुड। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बहुत प्यारी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से ही तायरान ने एक्सपर्ट कर दिया ब्लॉगिंग के लिए। साथ में यार जो पहले बताएं वो बात रस्म को लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं रस्म के लिए। और इसके लिए हम लोग प्रोग्राम बाकायदा स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ छोटे मोटे टेबल बच्चों ने सेट किए हुए, जिनमें सबसे बड़े बच्चे हमारे भाई जान, इन्होंने और हमारी भाभी ने भी कुछ सेटिंग की। क्या कह रहे? सो क्या कहना चाहेंगे कश्यप आप? भाई ये फ्यूजन बैंक्वेट है आज हमारे अपने शहर हैदराबाद के अंदर। कश्यप आई हुई है और ये अपना शूट वगैरह करा रही। मैंने कहा यार चलो खैर कोई नहीं। ओह माय गॉड, ये व्हाट अ शॉट। वेट करना है ऐसे ही। स्माइल इधर देखो, ऐसे ही इधर देखो। ओके ओह ये लेवल और ये फैन मूवमेंट चलते हुए। ठीक है, हो गया आपका फैन मूवमेंट। अब हम वीडियो शूट कर ले। भले चलो 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 एक करके आगे चश्मे लगाओ इसकी पिक्चर्स ले। कौन कौन है? अपने वाले हैं। अरे शॉट का यो करते हुए गाइस अन्ने ने लग रहे हो। हम यहाँ आए थे शूट करने के लिए। ठीक है, ये इतनी अच्छी कोई लोकेशन थी गांव टाइप, लेकिन वहाँ पे इवेंट ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ पर जो है मम्मा की कॉल आई है, जल्दी आओ, निका भी शायद आधा हो गया। अब हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं ताकि ये निका ख़त्म ना हुआ। अजीब, मुझे शूट भी कराना था, वहाँ पे लोग आ रहे थे तो मेरा रील नहीं बन पा रही थी। खैर अभी भी शॉर्ट्स कम्प्लीट नहीं हुए ना, तो अब हम वहाँ जाकर करेंगे। जल्दी शूट करवा के मैंने डन कर लिया जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अंदर मेरे ख्याल से एंट्री हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत प्यार से कब से ढूंढ रही थी मैं, कब से कहां है कसम, कहां है कब से ढूंढ रही थी मैं तुम्हें यार। इसका कपल कहां गया भाई? इसका कपल कहां गया? अस्सलाम वालेकुम। निकम हुआ मेरा निकम हुआ रात को निकम हुआ कब होगा मेरा निकम? शादी में आई है या शूट कराने आई है? वो बागी कहाँ बागी हूँ? कच्ची मंडी। कच्ची मंडी? कच्ची मंडी कौन सी मंडी? लेकिन बहुत लोकेशन टाइट थी यार। तुम बाहर उनके साथ शूट करा रही थी, बदतमीजी नहीं करो ज्यादा। अभी तुम्हें भी ले जाती तो फिर पता नहीं किसकी दुल्हन कब बनेगी, कब
इनको क्या हो गया, निक्की को क्या हो गया, भाई क्या हो गया, क्या इतना कोई चीज हाँ सही बात है मैं समझ रही हूँ आपका दर्द समझ रही हूँ मैं, जो आप इतनी दूर दूर से चीख रहे सबको उतारने के लिए। ब्लॉग वाले भाई पीछे आ जाए पकड़ के, माशाल्लाह तायरान अल्लाह तुम्हें खुश रखे आबाद रखे और इसी के सत्य हमारा भी कराए यार। वो देखो मेरा मोबाइल फायर पे, ये ब्लॉगर और टिकटॉकर नाम होता है, कोई हमारा बना दे वीडियो बना दे। खाना निकालने के लिए आ गई हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल प्लेट्स नहीं है। ये भी प्लेट्स फेवरेट पार्ट सैलेड का मेरा, जो कि मुझे चाहिए होता है, मैं तो सैलेड ज़्यादा खाती हूँ यार। मैं इन लोगों के लिए निकाल ली ताकि ये लोग खाना खाएं, जान में तुम्हारे लिए सबर करो, मैं तुम्हारे निकालती हूँ, टेंशन नहीं लो बिल्कुल। सिर्फ हम लोगों के अलावा जो है ना यहाँ पे सब खाना खा रहा है, दुल्हन दुल्हन की अम्मी, दुल्हन के अब्बू, दुल्हन के पापा, सब माशाल्लाह खाना खा रहे हैं। ताहिरान ने कहा हमारे लिए स्पेशल खाना लगा, तो हमारा स्पेशल खाना जब लगेगा, जब लग रहा है स्पेशल खाना तब लगेगा जब ये शादी हॉल बंद होगा और सब खाना खा। ताहिरान भाई इसमें बात सुना, हमें खाना जब मिलेगा जब ये शादी हॉल बंद हो जाएगा। देखो सबने खाया है, सबने खा लिया, तू कर रहे हो, हमने नहीं खाया। नहीं तायरान ने बोला बहुत स्पेशल खाना लगा रहा है, कब लगेगा 15 मिनट पहले बोल के गया था टीवी लगा रहा है, अभी आधा घंटा खाने में लग गया, मुझे इग्नोर कर दी। हां इबे यार यार तक कौन बनने की बात थी, तायरान ने मुझे कहा मैं अपने सस्ते में बैठूं, मैं सब मुझसे आगे स्पेशल मिलेंगे। हां स्पेशल फील करेगा, स्पेशल चलती थी, हम कहीं भी जाते थे बहन यहाँ चलती थी, वहाँ से वो इनको कॉल करती थी, यहाँ से ये उनको कॉल करती थी। क्या हुआ ब्लॉग की किया, सॉरी मैं नहीं चाहती कि माओ माओ का कॉन्टैक्ट हो। सॉरी यस आई एम यार, तेरी इंग्लिश चल रही है, अपने इंग्लिश सुनाना जरा। हैदराबाद आईना वेना रहना उतार ला दियो, सफर आसान आ गया, दोनों की इंग्लिश चल रही है। सैयद कास्ट है, इधर सुमरो है, दोनों से भी और दोनों नियो खोलना है, नियो खोलने और आप सिंध में रहने वाले थे, क्या बोल रहे, थोड़ा मैं कह रही हूँ इसमें को थोड़ा सा खिलाओ पिलाओ, वैसे ही अभी है ना सेम शादी से पहले भी है पतली कमर, थोड़ा सा खिलाओ पिलाओ, पर वो खाती माशाल्लाह है और हमें प्लेट थी वो तो आ चुकी है, थैंक यू, क्योंकि ये प्लेट मैंने पहले निकाल दी, टेस्ट करके बता रही हूँ कैसी है। हालांकि हैदराबाद की रहने वाली, इधर की मच्छी, इधर की रोटी, साग साग यही देसी खाना, यही है मैं कढ़ाई का शौकीन रहते। परेशान होते हुए आप क्यों परेशान घूम रहे हैं? मैं क्यों परेशान नहीं घूम रहे, मेरी दोस्त के साथ
साथ खुश है आप? ओए ओए, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।